नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। जब तक आप उसे प्रोत्साहन ना ले लो, कहानी ऐसी हो जो कभी खत्म ना हो और ना ही उसकी कोई शुरुआत हो। ये एक शांति प्रदान करने वाली मनोरंजक पढ़ाई है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव के बारे में, एक मिटने वाला अंत जो कभी खत्म नहीं होता और समझने वाले का ही अंत हो जाता है। शरीर में ले लो, तुम सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो, मुझे भी वो ज्ञान चाहिए, मुझे अपने शरीर में जला दो, ताकत दो मुझे शक्तियों, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। आखिर क्या है उस किताब में? उस किताब को पढ़ने के बाद इंदु मरी क्या? लाइब्रेरी में ये सब हो क्या रहा है?
एक राक्षस था ऐसा पुराणों में लिखा है, पर इस धरती का बकासुर है कॉरपोरेटर कन्ना जिसकी ये कहानी है। कॉरपोरेटर सिर्फ इसका डिजिग्नेशन नहीं है, इनिशियल है। कन्ना बहुत ताकतवर है और अपनी ताकत को वो मासूमों के सामने दिखाता है। इसकी दिनचर्या है अपने गुंडों के साथ जमीनों पर कब्जा करना और फिर उन जमीनों को लोकल पॉलिटिशियंस के साथ डेवलप करना और उनसे पैसा कमाना। चल सुना, पक्षियों की आवाज वादियों में गूंजती है जब हम बाग में घूमते हैं। मारना नहीं पापा, गाना। हा? समझे? अच्छा गाना। बोल्ट बोल्ट बोल्ट। क्यों बे, काम करने की बजाय फोन में लगा पड़ा है? बीएफ देख रहा हूँ। क्या बोला? बॉलीवुड फिल्म। अबे ओए, जरा याद कर, तू कर क्या रहा था? एक तो तुझे 3 बार आवाज दी लेकिन तू एक ही तरह हाथ से फोन छूटता ही नहीं। बॉस। ए, क्या हुआ? वो घटिया पेट्रोल टैंक ये वो करके मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है। प्लीज कुछ कीजिए ना बॉस, प्लीज खोल के दो ना बॉस। ठीक है तो चला गया, मैं आता हूँ। हाँ। उल्लू के पट्टे, मैं यहाँ बैठ कर ये सारे पार्ट्स निकाल रहा हूँ और तू एक बॉलीवुड फिल्म देखने में लगा हुआ है। सॉरी बॉस, मैं अपना काम ही भूल गया। अच्छा। चल बासुआ, अभी जाकर सिगरेट लेके आ मेरे लिए। बॉस, सिगरेट के पैसे दोगे या फिर मैं? ठीक है, समझ गया, मैं लेके आता हूँ। आता हूँ। बॉस, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंकल, यहाँ से किसी जीप को जाते हुए देखा? अरे देखा नहीं। भैया, यहाँ से कोई जीप जाते हुए देखी? नहीं भाई, नहीं देखा। Thank you.
ये किस लिए पी रहे हो भाई? अरे तू एग्जाम में सक्सेसफुली पास हो जाएगा तो पुलिस ऑफिसर बन जाएगा ना, इसलिए पी रहा हूँ। अबे इतने जल्दी क्या है तुझे? अभी तक चीयर्स भी नहीं किया हम लोगों ने। ये सिर्फ एक ट्रायल था बॉस, फ्रेश बॉटल निकाल कर चीयर्स कर दूंगा। अच्छा। हाँ। और हाँ, ये तो मुर्गे के बदले पकोड़े क्यों लेके आ गया? आज शनिवार है ना बॉस। अच्छा, मतलब तू मंगलवार को नहीं पिएगा? अरे बोल्ट, पकौड़ा तो काफी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू शिवा भाई, थैंक यू। अरे शिवा, तेरा रिजल्ट आने में और कितना टाइम बाकी है? बस एक महीना और। अच्छा शिवा भाई, इस खुशी में तुम मुझसे वादा करो। क्या बोल्ट? शिवा भाई, इस खुशी में तुम स्टेशन की सारी गाड़ियां हमसे ही रिपेयर करवाना। अच्छा, ताकि तू उन सबको बेच कर पैसे बना सकता है ना? वही तो बात है बॉस, इसीलिए तो हम उसे रिपेयर करेंगे। भाई, यहाँ से हमारे बंदे को जाते हुए देखा क्या? इतनी रात को भी कोई किसी का पीछा करता है क्या? उसे मारना है क्या? नहीं भाई, वो हमें उसे मारने के लिए फोर्स कर रहा है और हम बस उसे सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। बोल बे, क्या प्रॉब्लम है तेरी? ओहो, तो तुम लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अब पियक्कड़ तुम्हारी क्या मदद करेगा? कोई बात नहीं, चल बोल, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, चलो। कुछ नहीं भाई, लव में थोड़ा सा क्लैश है। इसकी 4 साल की लव स्टोरी को सारे घर वालों ने मान लिया है, लेकिन 2 दिन से लड़की से बात नहीं करी, इसलिए थोड़ा सा नाराज है। तुझे मेरे प्रॉब्लम पर हंसी आ रही है? छोटे, तू 2 दिन की जुदाई की बात कर रहा है, अबे इसमें तो मैं 200 बार मर गया होता, समझा? क्या हुआ शिवा, जॉगिंग पे नहीं गया क्या? कल रात को जो बंदा आया था ना, उसने खुद को फांसी लगा लिया। हाँ? क्या बात कर रहा है, अबे चल 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 चल, चल। हाँ। मेरा बेटा सर, मेरा बेटा। संभालिए संभालिए खुद को। उसने कहा था कि उसे वो पसंद है, प्यार करती थी, कुंडली से तो इनके भाग्य नहीं मिले, इसलिए इनके प्यार को अपना कर मैंने शादी फिक्स की थी। मुझे पता नहीं कि इसकी तकलीफ क्या थी, तो इसको कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए। हे भगवान, हे भगवान। अरे बोल्ट। हाँ बॉस। हाँ बोलो बॉस। अंदर जरा 2 कुर्सियां लगाना। ओके। अच्छा सुन, हाँ? कार में जो है वो अंदर आएंगे या फिर बाहर बैठेंगे? हाँ? जरा पूछ। क्या कार में ही बैठोगे या अंदर आओगे? ऐसा बॉस पूछ रहे हैं। कौन है रे तू? बोल्ट, भाई का असिस्टेंट। हाँ? उसे तेरे अलावा और कोई नहीं मिला? हाँ? इस गैरेज का ख्याल रखने वाला मैं ही हूँ। हाँ? हाँ? तो ये मैसूर पैलेस है। हाँ? और ये है। हाँ? उसका असिस्टेंट। हाँ? तू क्या देख रहा है, चल निकल, निकलना। ए, तुम्हारी शक्ल कैसी दिख रही है पता है? जरा अपने आप को आईने में देखो। क्या पापा, मैं कैसा दिखता हूँ ये देखने के लिए आप इतनी दूर आ गए? उससे अच्छा है कि सीधे पॉइंट पर आइए ना कि क्यों आए हो। अपने पापा से कोई इस तरह से बात करता है क्या? तुम अपना घर ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? हम सबके बगैर कैसे रहोगे बताओ? रुक जाओ माँ, आपने अपनी इज्जत पहले ही गंवा दी है। ए, सबसे कीमती चीज को कैसे छोड़ दिया बे? सॉरी भाई। ए, मैं नहीं जानता कैसे करोगे, लेकिन शाम तक मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है भाई,
सुन बेटे, राजा हरिश्चंद्र कृष्ण प्रसाद तुझसे झगड़ने के लिए नहीं आए हैं। 2 साल हो गए हमें छोड़कर गए हुए। इतने दिनों में तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जो लड़की तुझे छोड़कर चली गई, उसके पीछे तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? इसमें कौन सी बुद्धिमानी है? जब मैं कह रहा था तब आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज हम सब लोग बहुत खुश होते। आपको जो करना था आपने कर लिया, और उसको जो करना था वो उसने किया। आखिर में मैं तो किसी का भी नहीं, देखिए है ना। उसके बावजूद भी उसकी यादों के सहारे में खुश हूं। आप लोग भी खुश रहिएगा। अब जाइए यहां से। अच्छी बात है। अब मेरा भी फैसला सुन लो। मैं अब और नहीं रुक सकता। तुम्हारा 1 महीने तक मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद तुम आए तो ठीक है, वरना हमेशा इसी गैरेज में रहना और हमें तो भूल ही जाना। हम भी देखते हैं कि तू इस गैरेज से क्या हासिल करता है। मैं अपनी पूरी जायदाद ट्रस्ट के नाम करके हिमालय चला जाऊंगा। अच्छा सुझाव है। बॉस क्या है? वो लोग कौन थे बॉस? जा अपना काम कर, जाना काम कर अपना। बोलो ना बॉस, मैंने सुना लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। बोल। देख ये काम का टाइम चल रहा है, बोलने में समय बर्बाद मत कर, समझ गया ना? अब जा जाके कस्टमर्स को संभाल, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देख वहाँ पर वो आदमी खड़ा है, जा। क्या बे, इंतजार करने पर मर जाएगा क्या? सीरियस डिस्कशन हो रहा था ना, बोलो क्या है? हवा और पानी। क्या हवा और पानी? अबे हम हवा नहीं भरते, समझे? तो कहाँ जाऊँ? पार्क में, पार्क में जा, हवा भरने बोल रहा है, हवा पार्क में। राजा, तुम्हारे मम्मी पापा थे क्या? क्या बॉस, वो तुम्हारे मम्मी पापा थे? एक बार भी नहीं बताया। ए बोल्ड, तो चुप कर। वैसे क्या बोला उन्होंने? हिमालय जाएंगे कह रहे थे, इसलिए बाय बोलने आए थे। क्या हुआ, हिमालय क्यों जा रहे? अबे गर्मी है ना, तो जरा ठंडी जगह पर जाना चाहते हैं। वहां पर पहाड़ जो है, तो वहां बैठ के आराम से समय बिताएंगे। ठंडी जगह पे समय बिताना अच्छा होता है। राजा ये मजाक की बात नहीं है। अच्छा चल, लाइब्रेरी जा रहा है ना। ए सुन, तू गैरेज पे ध्यान दे। जा काम कर। ठीक है राजा, तुम यहाँ बैठकर पेपर पढ़ो, मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि कोई नया कलेक्शन आया है क्या। ठीक है। मैं यहाँ पर था ये बात तो तुम्हें पता थी। उस रघुपति के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है नहीं जानना मुझे। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी लाइब्रेरी खाली करवाने आया हूं। जैसा कि मैंने कहा था, मार्केट से 90% पैसा कम दे रहा हूं तुम्हें। अबे तू है कौन? कौन हूँ मैं? कल ब्रिज पर आराम से बैठा हुआ था और अपने बीते लम्हों को सुकून से याद कर रहा था, तो तूने बीच में आके मुझे डिस्टर्ब किया। यही हाथ था ना तेरा? यही हाथ था ना तेरी? यही हाथ था ना? Ugh!
कौन सा तरीका है बे? आखिर मेरी फीलिंग्स पर तुम लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ज्यादा नाटक करता करे। अगर तुम आंखें बंद करके पेपर पर साइन कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अगर नहीं किया तो एक दूसरा ऑप्शन भी है। क्यों बे, क्या सोच रहा है कि कन्ना गौड़ तुझे कोर्ट का नोटिस क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरे पास हमेशा दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला, पैसा देना। दूसरा, मार देना। अरे बॉडी तक नहीं मिलती है। तुम जिंदा हो या फिर मारे गए, सोसाइटी को पता नहीं चलता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है उस पर साइन कर दो, बस। ऑप्शन चूज करवाने का समय नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास एक दिन है, मैक्सिमम 3 डेज। मैं दोबारा आऊंगा तुम्हारे नए बिजनेस प्लान को इनॉग्रेट करने। ये पैसे रख लो और कोई पान पट्टी की दुकान खोलो या किराने की, अच्छा रहेगा। ओपनिंग पर आकर तुम्हें पब्लिसिटी दूंगा। डैडी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा भी यही सवाल है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल से डिस्कशन करने आया था। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी पढ़ाई करने आई हो? हाँ डैडी। बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ना बेटा। ये प्रॉपर्टी कुछ दिनों में तुम्हारी हो जाएगी, दिल लगा के पढ़ो। अबे क्या हुआ तुझे? थोड़ा आराम से पी यार, आराम से, आराम से। क्या बॉस, लाइफ बोर हो गई है रोज रोज के रूटीन से। तो कैसी लाइफ चाहिए तुझे? लाइफ में बॉस काम कम हो और पीना ज्यादा हो। क्या बोला? काम कम और पीना ज्यादा? पूरी अय्याशी करनी है क्या? मतलब अभी कुछ कम पड़ रहा है क्या? एडजस्ट कर रहा हूँ ना बॉस। बॉस इतने टाइम से हम साथ में हैं, लेकिन मैंने आपको कभी कुछ नहीं पूछा। लेकिन आज जो हुआ उसे देखने के बाद मुझे आपके बारे में और जानना है बॉस। अबे तू भी ना यार, तेरा ये नाटक मैं बहुत अच्छे से समझ गया। लगता है ये तेरा ही प्लान है। बॉस मुझे सिर्फ आपके मम्मी और पापा इतना ही समझ आया, बाकी कुछ नहीं। प्लीज बताओ ना बॉस। बार बार याद करने के लिए कोई माइथोलॉजी की कहानी तो है नहीं यार मेरी। जो दिल के नजदीक थे उन्होंने दिल तोड़कर खुद से मुझे चुरा के पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा दर्द दिया है ना जो कभी खत्म ही नहीं हो पाता, इसलिए ये ग्लास के शराब में मैं खुशियां ढूंढता हूँ। हाँ अबे तू सुन तो रहा है ना बॉस,
अगर आपको जवाब नहीं देना है तो मत दो ना, लेकिन ऐसे मुहावरों में मत बताओ। वो कहना कि ऐसी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मतलब तुझे मेरी फीलिंग समझ में नहीं आई ना? वो क्या था, दिल और दारू का ग्लास, बस इतना ही समझ आया। उसके अलावा सब कुछ जो आपने कहा दिमाग से बाउंसर हो गया। प्लीज बोलो बॉस। ठीक है, ओके, बोलता हूँ। हिंदी में बोलो बॉस। हिंदी? हिंदी ठीक है। वो मेरे कॉलेज के दिन थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक लड़की थी और फर्स्ट फ्लोर पर मैं। फर्स्ट टाइम इतने दिनों में मुझे किसी से प्यार हो गया था। और तभी मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसके सुंदर आंखें देखकर मैं वहीं पर रुक गया। मेरी इच्छा थी कि वो मेरी ही क्लास में आए, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसी समय मैं तुरंत अपने क्लास के लिए भागा। तब से मैं बस उसे घूरने लगा, लेकिन उसने मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा था। लेकिन मैं उससे प्यार तो बहुत करता था। क्लास स्टार्ट हो रही थी और एंड हो रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान बस उसी के ऊपर था। एक दिन कॉलेज ने एक स्पिरिचुअल कंपटीशन रखा था। उस दिन मुझे स्टेज मिला अपना टैलेंट परफॉर्म करने के लिए। तब उसने मुझे देखा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे लगता है बहुत से लोगों को शराब की लत लग जाती है और यह लत बाद में आदत बन जाती है, तो मैं चाहता हूं कि इसे रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। स्पेशली हमारे यूथ को इस खतरे से बचना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि ये लड़के कैसे औरतों के साथ मिसबिहेव करते हैं। हाल ही में मैंने 3-4 ऐसे केसेस देखे हैं। औरत को रिस्पेक्ट दिए बिना उससे बात करना और उससे भी बढ़कर उन्हें मारना, ये सारी हरकतें करने वाले कोई अनपढ़ नहीं है, हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूं। देखिए, इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, औरतों को हर तरीके से बचाइए। मेरी बातों से अगर आपको ठेस पहुंची है तो मैं आप सबको सॉरी बोलता हूं। जय हिंद। थैंक यू, सॉरी। उस दिन मैंने स्टेज पर जो कुछ भी बोला था उससे वो इंप्रेस हो गई थी। और उसके अगले दिन मुझे? हाँ, तुझे ही। हाँ बोलो बोलो। कल जो तुमने स्पीच दिया ना, वो बहुत अच्छा था। अच्छा, ऐसी बात है। थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों के बीच बिना किसी डर के स्टेज पर खड़े होकर तुमने बहुत सही मुद्दा उठाया। हैट्स ऑफ टू यू। मिस्टर राजा हरिश्चंद्र कृष्ण प्रसाद। ये क्या, तुम्हें मेरा नाम भी याद है? अब भला कोई तुम्हारा नाम भूल सकता है? रियली अप्रिशिएट यू। हेलो, मुझे तो जाने दो। कैच यू लेटर। ओके। कबाब में हड्डी, मैं तो उसका हमेशा पीछा करता था। हम दोनों लव बर्ड्स बन चुके थे।
मैं बस अपने प्यार के बारे में उसे बताने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन उसके घर से एक मैसेज आया। इंदु, यू कैन गो। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चंद्रयान 2 इन 2019। राव सर, आप बात क्या है? तुम्हारे घर से ऑफिस में फोन आया था बेटी, तुम्हारे पापा बहुत सीरियस हैं, प्रगति हॉस्पिटल में एडमिट है, परमिशन लेकर चली जाना। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अदर सब्जेक्ट एंड पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं राजा को अपने साथ ले जा सकती हूँ? विद योर परमिशन प्लीज सर। ओके इंदु, राजा इसके साथ जाओ। देखो टेंशन मत लो, प्लीज पापा को कुछ नहीं होगा। खून देने के लिए हॉस्पिटल में स्टॉक भी नहीं है। विच ग्रुप इंदु? एबी पॉजिटिव। ओके रिलैक्स। अरे शिवा, अभी कहाँ है तू? अच्छा, अर्जेंटली प्रगति हॉस्पिटल में आ जा। या फास्ट। नर्स, डॉक्टर, इन पेशेंट्स को तुम देखो, तब तक मैं राउंड्स पे जाके आता हूँ। उस दिन से उन्होंने मुझे अपने फैमिली पर्सन की तरह ट्रीट किया। सी ड्रेस पहनी है बताओ। इंदु खेल क्यों रही हो? स्किन फिट चूड़ीदार? नो। शर्ट और स्किन फिट बॉटम? नो। मेरी दिल की बातें और मेरी फीलिंग्स मैंने तुम्हें बता दी है राजा। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, मुझे अपनी गिफ्ट की तरह स्वीकार कर लो। आई लव यू सो मच राजा। क्या सोचकर तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो? अगर मैंने धोखा दिया तो? तुम मुझे धोखा दोगे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती राजा। मुझे बस तुम्हें अपने मन की बात बतानी थी। थैंक्स अ लॉट इंदु, तुम्हारा भरोसा पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल यही बात मैं आज तुमसे कहने ही वाला था। लव योर लॉट इंदु, आकाश और धरती एक हो जाए तो भी मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है राजा, कॉलेज में एक बालू नाम का लड़का है और वो मुझे जहां भी मिलता है वहां टॉर्चर करता है। उसने मुझे परेशान कर रखा है।
तुम चिंता मत करो इंदु, कल से वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। माँ। बोलो राजा। जरा आओ ना मेरे साथ, आओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? आओ ना माँ, चलो आओ बैठो। कहाँ ले जा रहे हो? आओ बैठो। क्या है ये? अरे बैठो ना माँ। अरे बता तो क्या नाटक लगा रखा है तुमने? यहीं बैठा रहना, प्लीज प्लीज यहीं बैठी रहना, उठना मत। पापा क्या कर रहे हो? क्या हुआ? देखता नहीं किताब पढ़ रहे हो आप? अरे क्या हुआ? द मॉर्गन हाउसल। क्या पापा आपने अभी तक ये खत्म नहीं की? आइए मेरे साथ चलिए। आइए, कुछ बता भी नहीं रहा है। ठीक है चलता हूँ, प्लीज 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 आइए ना। चल रहा हूँ, प्लीज पापा प्लीज। हाँ आइए, ठीक है बता। क्या कर रहा है तू बेटा? बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। पता नहीं क्या कर रहा है ये। माँ पापा आपने मेरे लिए बिना कोई झिझक के सब कुछ किया है, तो अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी एक बात मान लें। पर बता तो सही, मेरी शादी पापा। हाँ शादी? क्या शादी? हाँ पापा मेरी शादी। इस साल मेरी बेटे की पढ़ाई खत्म हो जाए तो उसके बाद शादी करके मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ। तुझे किसी से प्यार हुआ है इसीलिए तुझे शादी की जल्दी पड़ी है, यही है ना? हाँ नहीं पापा, शादी के ख्याल से प्यार किया है मैंने तो शादी करनी पड़ेगी। अरे पहले पढ़ाई कर, नौकरी ढूंढ, फिर शादी के बारे में सोच, ये सब क्या? माँ आपने लड़की को देखा तो दो दिन में शादी का मुहूर्त निकाल दोगी। ठीक है ठीक है, तेरे एक्साइटमेंट को समझता हूँ मैं। देख बेटा पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मम्मी और मैं एक अच्छा सा मुहूर्त देख कर लड़की की फैमिली से बात करेंगे। ओके थैंक यू पापा, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। यस यस यस। देख रही हो इसको, अब तो शादी करनी पड़ेगी। हाँ। हाय राजा, यही है बालू। नमस्ते। नहीं थैंक यू, मैं नहीं पिता। तू इंदु को जानता? उसमें जानना क्या है, मैटर क्या है? क्या मतलब, क्या बोल रहा है तू? उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने का समझा ना, बहन है वो तेरी, इज्जत कर उसके। मेरे सामने आवाज उठाने की हिम्मत की तूने? राजा राजा ये तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए ये गॉगल पकड़, 10 मिनट दे मुझे। तेरे बारे में सुना है मैंने, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, क्लासरूम में टीचर की भी रैगिंग करता है तू। क्या कर रहे हो? लाइट है और क्या? गेट आउट ऑफ माई क्लास। कमीने, तू बच गया क्योंकि मैंने कैंपस बदल दिया, नहीं तो क्लासरूम में घुसकर तेरी हड्डी तोड़ देता। तो राजा रुक जाओ। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं, उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और कोई जवाब भी नहीं दिया। उसकी माँ ने मेरे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि दोबारा यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्स कंप्लीट करके एक्साइटमेंट में मैं उससे मिलने चला गया। इंदु मुझे तुमसे बात करनी है। आओ ना थोड़ी सी बात कर ले। कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं फैमिली के साथ गांव जा रही हूँ, 2-4 दिन में आ जाऊंगी, वेट करना हा? आने के बाद मिलती हूँ। इंदु 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 दो दिन से 4 दिन और उसके बाद महीनों बीत गए। और महीनों से साल बीत गए लेकिन इसका कोई पता नहीं।
अब बस इंतजार कर रहा हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा। बस मैं जानना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। अरे कौन सुबह सुबह शोर कर रहा है? ए, सही से लगा, देखना वहां पर। ए, कौन हो तुम सब और ये क्या है? दिखाई नहीं देता बोर्ड। अरे देखना नहीं है, पढ़कर बताओ लिखा क्या है। ए, तुझे पढ़ना नहीं आता क्या? अगर पढ़ना लिखना आता ना तो गोलबोल कॉलेज में प्रोफेसर होता। क्या बे, हमारे सामने होशियारी दिखाता है, जबान काट दूंगा। कौन है तू? बोल्ट, बॉडी नेम, डेजिग्नेशन, भाई का असिस्टेंट। इतनी हिम्मत मेरे गैरेज में आकर बोल्ट के गिरेबान में हाथ डाल रहा है? मैक्सिमम 2 मिनट्स होल्ड करके रख, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा और तुम लोग भी यहां पर जिंदा नहीं रहोगे। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू, समझा? यहीं रुको। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? क्या, तो वही है ना जिसके बारे में ये सभी लोग ज्यादा ही बिल्डअप दे रहे हैं। कल जो हुआ उसके बाद हमारे बॉस को तेरी बॉडी चाहिए। अबे हम तो तुझे ही ढूंढ रहे थे, अब देख तेरी क्या हालत करते हैं। अबे तेरे को बहुत मार। ए, हम कॉर्पोरेटर कन्ना के बंदे हैं। मैं मारने लगता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। मेरा कॉलर पकड़ता है, अब देख। बोल्ट, सिगरेट दे। ये अगर दोबारा यहाँ पर बिलोंग्स टू ऐसा वैसा बोर्ड लगाओगे तो एक एक के बॉडी पार्ट्स निकाल कर रख दूंगा। हमें लगा था तुमने नाम नहीं दिखाया, लेकिन तुमने हमारे बॉस की बड़ी बेइज्जती की है। अपनी आखिरी गिनती शुरू कर लेना, तू नहीं बचने वाला। क्या बोला? दिस लैंड बिलोंग्स टू कन्ना गॉड। अबे तेरी। शाबाश, पहले तो तुमने लोगों के हाथ पैर तोड़े और उसके बाद खुद के हाथ पैर तोड़वा के आ गए। अबे दिक्कत क्या है बे? वो ज्यादा ताकतवर है या हम कमजोर हैं?
तुमने कहा कि उसका कोई नहीं है और तुमने जाकर बोर्ड लगा दिया। वो बूढ़ा है या फिर ताकतवर है? ताकतवर है भाई। और वो कौन है, दूसरा वाला? नहीं भाई, पहला वाला। उसे मारा क्यों नहीं? क्यों नहीं मारा उसे भाई? वो एक जानवर है। जानवर तो क्या हो गया? तुम्हारा तलवार उसे काटने से मना कर रहे हैं या फिर तुम्हारे हाथ तुम्हें रोक रहे हैं? भाई हमारे हाथ उठने से पहले उसके लोहे के हाथ हम पे पड़ते हैं। भाई उसने हमें मौका ही नहीं दिया, वो बहुत तेज और ताकतवर है भाई। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम उस पर सीधा अटैक नहीं कर सकते? क्यों बे गंजे? ए इधर आ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। डैडी। हाँ। मैंने आज खुद कविता लिखी है, सुनेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बेटी। ए तुम लोग भी सुनो ना। हाँ। हाँ। चलने वाली हवा में बहुत मिट्टी है, बहने वाले पानी में मछली है, मेरे पापा के अंदर बहुत ताकत है, उनके साथ काम करने वालों में थोड़ा सा डर है, माँ के बनाए हुए खाने में क्या है बताओ? अच्छा टेस्ट है। नहीं तुम गलत हो, पेट भर जाए ऐसी सुगंध है। बॉस, बॉस, बॉस। अबे क्या हुआ तेरे को? वो क्या है ना, मुझे कुछ कहना है बॉस। हमारे पीठ के पीछे पक्का कोई तो षड्यंत्र चल रहा है बॉस। अबे हम कोई राजा है क्या जो हमारे पीछे कोई षड्यंत्र करेगा? मुझे तो लगता है कि उस कॉर्पोरेटर के लोग हम पर नजर रखे हैं। आज दोपहर में उनको हमारे गैरेज के यहाँ से मैंने दो लोगों को जाते हुए देखा। और क्या? विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों का यकीन कीजिए, अभी भी मैंने उनमें से एक को देखा। ए, तू जाना, पीने का बंदोबस्त कर। अबे जा। अब कैसे यकीन दिलाऊं? नायडू यही सही समय है, हमें उसे मार देना चाहिए। ए, रुक रे, उसे एक ही फटके में मारना होगा वरना हम ही पहले मारे जाएंगे, समझे ना? जब उसे मारने का सही मौका मिलेगा ना तभी हम उसे खत्म कर डालेंगे। ओके ओके सुपर। एक बात बता, तुझे जान से इतना प्यार क्यों है? एक ना एक दिन तो मरेंगे ही ना। ये सच है बॉस, लेकिन मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, बचपन से ही मुश्किल में बड़ा हुआ हूँ बॉस। ये सब बातें छोड़ो, आपसे मिलने के बाद मेरी लाइफ बदल गई बॉस। मुझे लगा नहीं था कि आप मुझसे जान से ज्यादा प्यार करोगे, और मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरा बॉस, मेरा टीचर, सब कुछ तुम हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप मेरे लिए सब कुछ हो बॉस, आपका मिलना मेरा नसीब है बॉस, नसीब है। अरे बोल्ट, तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? कूल बॉस,
आपके बारे में जानने के बाद मैं सच में आपका फैन हो गया। आप मुझे आपका दर्द समझ आया, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। ये क्या है बे? वो कहते हैं ना बॉस, लव अफेक्शन। अब बहुत हुआ, तुझे जो कुछ भी बताना है ना वो सब क्लियरली बता। बताता हूँ बॉस, आप ना अपने पापा मम्मी के पास वापस घर चले जाओ बॉस। किसी गायब हुई लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, बस इतनी मेरी बात सुन लो। मुझे आपकी बहुत चिंता है, एक छोटी सी गलती भी जिंदगी में तकलीफ देती है। बॉस, बॉस। बॉस, ये सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। इनके आने से पहले मैं भूल गया था कि मेरी भी कोई लाइफ है बॉस। अबे बोल्ड, ऐसे 100 लोगों के साथ मैं इसी तरह की डील कर सकता हूँ, समझा? हाँ बॉस, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। तुम्हारे पास माँ पापा और करोड़ों की जायदाद है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है घर पर। मैं तो वैसे ही अनाथ हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, समझो बॉस, सब कुछ भूल जाओ ना बॉस, प्लीज मेरी बात मानो ना बॉस। कौन है बे? मैं गैरेज वाला राजा बात कर रहा हूँ। हम दोनों के झगड़े की वजह गैरेज है। तो मैं क्या करूँ? तुम लोग कल आ जाओ, गैरेज हैंडओवर कर दूंगा। अब आगे कोई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। क्या? मैं कल इंतजार करूंगा। अबे तेरी तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे बोल्ड। बॉस आया, 2 मिनट, अब चलते रहो। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा नीचे उतरो ना। क्या बे, यहाँ पर ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? क्या बे, खेल है क्या? तू नहीं बुलाया ना गैरेज हैंडओवर करूंगा कहकर, अब नाटक मत कर। ए, शुरू करो। क्या हो रहे, क्या नाटक है ये? नाटक समझो या फिल्म समझ लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा अगर गैरेज की तरफ आए ना और मेरे गैरेज पर बुरी नजर डाली तो सबको धवलेश्वरम के बैरेज में एक सट डाल दूंगा, और वो भी ऐसे ही नहीं, हाथ पैर बांध कर डालूंगा। भाई ये हमें गैरेज देने से मना कर रहा है अभी। ए, फोन दे उसे। ठीक है भाई। देख कन्ना, आज तक मैं कुछ लोगों का इंतजार कर रहा था, वो लोग अभी मिल गए हैं। मैं तुझे गैरेज नहीं दे सकता, कल के कमिटमेंट के लिए सो सॉरी। आई एम रियली सॉरी फॉर द फॉल्स कमिटमेंट। अब गैरेज को भूल जा। इसे तूने बच्चों का खेल समझ रखा है बे? कन्ना गॉड, किसी को काट दूं तो सबूत तक नहीं मिलता उसका, और तूने तो मुझसे वादा किया था। उलट क्यों रहा है? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मैं उसे मार डालता हूं। तो तू क्या है,
अगर तू फिर भी मेरे पास आएगा तो मैं अपने इमोशंस को साइड में रख के तेरी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। वार शुरू होने से पहले तेरे बंदे तेरे कदमों में पड़े होंगे और विदाउट एनी एविडेंस तो कुछ कर भी नहीं सकता, समझा? भाई पता नहीं तुम कैसे करोगे, मुझे वो अड्डे पर चाहिए। बॉस, बॉस, मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 0112-2290-1701 पर। डैडी अब फ्री हो क्या? हाँ बोलो ना। खाना देना, पापा को शिक्षा मिली, पूजा के घर में त्योहार में नारियल गुस्से में फोड़कर, आंगन में रंगोली बनाकर, छोटे बच्चे को खिलाकर, जोर से रोने वाली वेनकत अम्मा, आप इतना क्यों जलती हो अनसुईया बहन? ए नीति तुम अंदर जाओ तो। दमयंती। ए तुम सब इधर आओ। झगड़ा होने के इतने टाइम के बाद भी तुम सब शांत हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मेरे पति सारा हिसाब देख रहे हैं और तुम लोग सिर्फ बैठे बैठे खाकर मोटे हो रहे हो। दमयंती शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं रह सकती, मुझसे आपकी यह हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती। ए
तुम लोग क्या करोगे ये मैं नहीं जानती, बस उसे किसी तरह मेरे सामने लेकर आओ और मेरे पति के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगने के लिए कहो, समझ गए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो देख लेना तुम लोग भी जिंदा नहीं बच पाओगे। जाओ जल्दी उसे लेकर आओ। दमयंती, जो चाहती हो वही होगा। शिवा, शिवा, अरे कहाँ हो तुम? मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, हमारा बोल्ट मर गया है, मर गया। मैं उस कन्ना को नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुमसे मिलना है शिवा। सुबह मिलता हूँ राजा, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है शिवा, ओके, चाहे कुछ भी हो वो हमारा दोस्त है, तुम्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा? क्यों बे, जान इतनी प्यारी है क्या तुझे? ये सच है बॉस, मुश्किल में बड़ा हुआ हूँ बॉस, लेकिन मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। आपसे मिलने के बाद मेरी लाइफ बदल गई बॉस। दे दीना बोर्ड, मैंने तेरी मौत की बात की तो नाराज होने के बदले तूने कहा कि तू मरने को तैयार हो गया। अब नहीं, उस कन्ना को मैं नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे, मार दूंगा उसको, मार दूंगा कन्ना को। बोल्ट, 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 बोल्ट। भैया, 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 ए? अब क्या हुआ? भैया मर गए। क्या बोला? क्या बात कर रहा है तू? भैया मर गए। भैया मर गए मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल चल यहाँ से चल। बेटा सर, मेरा बेटा, उसने कहा था कि उसे वो पसंद है, प्यार करती थी। कुंडली से तो इनके भाग्य नहीं मिले, इसलिए इनके प्यार को अपना कर मैंने शादी फिक्स की थी। मुझे पता नहीं कि उसकी तकलीफ क्या थी तो इसने खुद को मार लिया। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान? शिवा, शिवा, हे भगवान, शिवा, 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 क्या हो गया शिवा? शिवा, 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 हे भगवान। ये तुम्हारी कैसी लीला है भोलेनाथ? जो लोग अच्छे हैं, मासूम हैं, उन्हें तुम इतनी जल्दी बुला लेते हो, ये कहां का न्याय है शिवा? ये आपने क्या किया?
यमराज का ये कैसा धर्म है? ये न्याय नहीं अन्याय है। शिवा, इंदु, उसे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी सॉरी सर। एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे यार चिप, बिना पलकों को झपका है ये, बस बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, देखता हूं। लाइब्रेरी का टाइम तो खत्म हो चुका है, तुम्हारा टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? इंदु, 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 वो तुझसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था, वो बेचारा क्या करे। ये इतनी जल्दी क्यों आ रही है और दिन में भी पढ़ाई करती रहती है? क्या ये सच में श्रीलंका गई थी या कहीं लाइब्रेरी में काम कर रही थी? मुझे डाउट हो रहा है।
शक्तियाँ मुझे ताकत दो कि मैं तुम जैसा बन सकूं। शक्तियाँ मुझे ताकत दो, ताकत दो, ताकत दो। मैं तुम जैसा बनना चाहता हूं। मुझे ताकत दो, मुझे अपने शरीर में ले लो। ताकत दो मुझे, ताकत दो। तुम सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो, मुझे भी वो ज्ञान चाहिए। मुझे अपने शरीर में जगा दो। ताकत दो मुझे शक्तियों, ताकत दो। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। मुझे अपने शरण में ले लो। मुझे ताकत दो, मुझे ताकत दो, मुझे ताकत दो, ताकत दो। छह, मेरा गेस कभी गलत होता ही नहीं। मेरा डाउट बिल्कुल सही निकला। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता और तुम्हें नहीं देखता और चाबियां नहीं बनाता तो यहाँ पर हो क्या रहा ये कभी पता ही नहीं चलता। मैं तुझसे तीन सवाल पूछूंगा, इज्जत से जवाब देगा तो इंसानियत से सोचूंगा, और अगर उल्टे सीधी बात की तो इसी लाइब्रेरी में तुझे दफन कर दूंगा। ये कैसा ग्रंथ है, तुझे इसके बारे में क्या पता, क्या कर रहा है तू, आखिर ये सब हो क्या रहा है, जवाब दे। जवाब नहीं दूंगा तो तू मुझे क्या करेगा, बोल, मार देगा मुझे? मारने की हिम्मत है तुझ में? मरेगा। तू यहाँ उनके लिए आया है जो अभी तक यहाँ पे आते हैं, लेकिन तुझे नहीं पता कि जो आते हैं वो मरेंगे, सबके सब मरेंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, याद रख, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, बस इतना ही या और भी कुछ है? अगर तुझे लगता है ये खत्म हो गया तो मैं और ज्यादा कर सकता हूँ। क्या हुआ है और कितने लोग मरे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक भी इंसान को इससे आगे मरने नहीं दूंगा। डर को सहन करने वाले लोगों में से नहीं हूं मैं, तेरी मौत हूं। तेरी हर कोशिश को रोकूंगा, तू कुछ नहीं कर सकता। मौत को रोकने वाला तू होता कौन है बे? भगवान है क्या तू? टाइम है इसलिए मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। शायद उस भगवान ने ही मुझे यहाँ पर भेजा होगा। अब बहुत हुआ तेरा, अगर जो पूछा गया है उसका जवाब देगा तो कम से कम आधे घंटे के लिए तू जिंदा रह पाएगा। जिंदगी और मौत यम के हाथ में है, वो मौत मेरे साथ लिखता है और तू मुझे मारेगा। ये मेरा शोक संदेश है। पाप और पुण्य की घंटी नहीं होती, सिर्फ प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित। अब से सारी मौतों के बारे में मैं गिनूंगा। मैंने तुझे मारा, तूने मुझे मारा, इस होनी को मेरे अलावा कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। क्या बोला? कोई नहीं रोक सकता? अगर मैं तुझे मारूंगा तो भी तेरी लाश के साथ बात करूंगा। शक्तियाँ मुझे ताकत दो कि मैं तुम जैसा बन सकूं। शक्तियाँ मुझे ताकत दो, ताकत दो, ताकत दो। मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे ताकत दो, मुझे अपने शरीर में ले लो। ताकत दो मुझे, ताकत दो। तुम सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञानी हो, मुझे भी वो ज्ञान चाहिए। मुझे अपने शरीर में जगा दो। ताकत दो मुझे शक्तियों, ताकत दो। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। मुझे अपने शरण में ले लो। मुझे ताकत दो, मुझे ताकत दो, मुझे ताकत दो। ये सब हो क्या रहा है? काला जादू करके तू लोगों की जान ले रहा है? चलो बोल, ये सब क्या कर रहा है तू, बोल। ए, उठ जा। ए, उठ। ए, ए, आंखें खोल। तू मर नहीं सकता। ए, तेरा जीवन काल इतना कमजोर नहीं है। ए, तू मर नहीं सकता।
मुझे नहीं पता चाबी चाहिए। तुम क्या बताओ मुझे कहाँ है चाबी? बताओ क्या बोल रही हो? ज्यादा है मैं बताओ कि नहीं तुम्हारी चाबी चाहिए मुझे। आओ नहीं तो मारूंगी। इंदु इंदु राजा अभी इससे बात मत करो। चेहरे पर निशान है, चीखने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। क्या हो रही है? इस सब के बारे में मुझे क्लियरली बता सकती हो? अचानक से मुझे रूम में आवाज आई कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जब मैंने इसे पूछा तो इसने मुझे मारकर मेरे चेहरे पर खरोंच दिया। मैं वो दर्द सहन नहीं कर पाई इसलिए चिल्ला दी। इतने में तुम आ गए। इंदु 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 क्या रे? छोड़ो इंदु, कहानी बता रही है। इंदु इंदु अगर तू मुझे वहाँ लेकर जाएगी इंदु तो मैं तुझे अच्छे से कहानी बताऊंगी। इंदु 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 तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ प्लीज। इंदु 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 चाबी कहाँ? चाबी कहाँ? इंदु इंदु मुझे चाबी चाहिए। इंदु सॉरी इंदु 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 क्या नाम है तुम्हारा? रत्ना। तुम मुझे पहले से जानती हो? जानती हूँ राजा, मैं भी तुम्हारे ही कॉलेज में हूँ। तुमने कॉलेज में जब स्पीच दी थी तब इंदु के साथ तुम्हारी दोस्ती हुई और तुम उसे बाइक से फॉलो करते थे, मैं ये भी जानती हूँ। इंदु के परिवार को श्रीलंका जाने का आइडिया बालू ने दिया। बालू इंदु का रिश्तेदार है, वो हमेशा इंदु के घर पर आता जाता था। उसके पेरेंट्स के साथ भी उसने अच्छे रिश्ते बना लिए थे। कम समय में उसने उसके फैमिली का दिल जीत लिया। उस परिवार से बालू के अच्छे रिश्ते का कारण कहीं ना कहीं तुम भी हो। मैंने उससे कई बार कहा कि बालू अच्छा लड़का नहीं है। इंदु को भी पता था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन वो ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी और इसीलिए मुझे भी उसके साथ श्रीलंका जाना पड़ा। तो ये 2 साल श्रीलंका में थी, क्या तुम ब्रीफली मुझे बता सकती हो? वहाँ जाने के बाद इंदु ने हफ्तों तक किसी से बात नहीं की। उसके पेरेंट्स ने उसे शादी करने के लिए फोर्स किया, उनकी कुंडली नहीं मिली, इसीलिए इंदु के नाम में उन्होंने थोड़े चेंजेस किए। आज 11 दिन हो चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। उसकी जान किसने ली ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी आप चुप हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हर रोज वो बेचारी आपके पीछे पीछे घूमती थी, कहती थी पापा ये कविता सुन लो, पापा वो कविता सुन लो। क्या आप उसकी यादों को भूल गए या फिर उस आदमी पर दया दिखा रहे हैं? मैं आपकी तरफ से नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। इंदु 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 लिसन टू मी इंदु, ये सब क्या है? क्या तुम पागल हो गई हो? इंदु तुम पागल। ए रुको, क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ मुझे। हर हफ्ते आकर तुम्हें साइन करके जाना होगा। नमस्ते सर, मेरा नाम है राजा, मेरे काका की बेटी है। ज्यादा बुक्स पढ़ने की वजह से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। आप बड़ा दिल करके उसे रिलीज कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो राजा, मेंटल कंडीशन है उसकी, तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए। अंजी सर, देखो पुलिस वाला है और कैसे खरोचा है उसने, देखो कैसे भूत की तरह से देख रही है। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। थैंक यू।
कहानी काम क्रोध और घमंड से घिरे हुए इंसानियत की कहानी। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मेंटली शी इज वेरी गुड, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं टेबलेट्स दे देती हूँ, वो दे देना। अरे डॉक्टर, आप इतना सिंपली कैसे कह सकती हैं? एक्चुअली ये वो ऐसी बात है। ठीक है, तुम बाहर इंतजार करो, मैं इसे देखती हूँ। डॉक्टर हाँ, जरा ख्याल रखिए। बोलो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़का क्या बकवास कर रहा था? तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। जब तुम कुछ बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। कुछ नहीं है डॉक्टर, मुझे यहाँ से जाने दो। ऐसी बात नहीं है इंदु, अगर मैंने ऐसे ही किसी की बात पर यकीन कर लिया तो मेरा नाम खराब नहीं होगा क्या? तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। बेटी जरा ऊपर देखो। हाँ, तुम्हें 2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ऐसा है तो वो ग्रंथ लाकर दो, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। कौन सा ग्रंथ? महातंत्र। अब उस बुक में ऐसा तो क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये नाटक करोगी और मैं डर जाऊंगी? आखिर उस ग्रंथ में ऐसा तो क्या है जो तुम इस तरह से हम सबको डरा रही हो? आह, 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 नर्स, नर्स, कहो तो, इंजेक्शन, इंजेक्शन। देखो वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम अच्छे से कोशिश करते रहो। इसका कोई रिश्तेदार हो तो उसे कॉल करो, उनसे कहो कि यहाँ आए और इसे लेकर जाए। रत्ना। हाँ? इंदु? ओ। अंकल जी, कैसे हो अंकल जी? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? यहीं से अंकल, हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। दीप्ति हॉस्पिटल? हाँ अंकल। बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। अंकल आप उस डॉक्टर को जानते हो? हाँ जानता हूँ बेटा, मैं अपनी बेटी को एक बार लेकर वहां गया था। बेटी मतलब उस दिन जिस लड़की ने सुसाइड किया था, वही ना? हाँ बेटा। अंकल लेकिन जैसा सबने सोचा वो आत्महत्या नहीं थी, किसी ने उसे मारा है। क्या सच में? हाँ, मेरी बेटी और मेरे दामाद दोनों को मार डाला। तो आपने केस फाइल नहीं किया क्या अंकल? ये तो कंफर्म है कि उसे मारा गया, लेकिन किसने मारा, क्यों मारा, ये नहीं पता। आपको किसने बताया अंकल? उस दिन वो लाइब्रेरी से घर आई और 6 घंटे तक उसने किसी से बात नहीं की। उसके बाद उसने मेरी साइकिल उठाई और यहां से चली गई।
उस समय मैं घर पर नहीं था, मैं रात भर खेत में ही सोया हुआ था, लेकिन उस रात मैंने एक सपना देखा। सपना? हाँ, जब मेरी बीवी मरी थी तब भी मैंने सपने में उसे देखा था, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है। अंकल, दीदी का नाम क्या था? महेश्वरी बेटा। रंगाराव जी। हाँ। नमस्ते बाबू। हाँ, नमस्ते। मेरी बेटी सुबह घर से निकली, वैसे ही इनका बेटा भी गया और अचानक मर गया। रंगाराव जी, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। अच्छी बात है बेटा। ओके, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। अंकल, आइए। रंगाराव जी। हाँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ बुक्स नजर आ रही हैं। आपके बेटे को बुक्स बहुत पसंद थी? हाँ बेटा, 12th डिग्री बीटेक स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते थे वो क्लियर किया करता था। जरा इसे पढ़ो। सर, आपके बेटे के कोई फ्रेंड्स थे क्या? एक दोस्त था उसका, वो अक्सर यहाँ हमारे घर पे आता रहता था, पर मेरे बेटे के मरने के एक हफ्ते पहले ही उसने आना बंद कर दिया था। उसका नाम आपको पता है क्या सर? हम उसे कोटी कहा करते थे। उसका पूरा नाम कोटेश्वर राव है बेटा। वैसे बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम ये सारी चीजें किस लिए लेकर जा रहे हो? यही सिचुएशन मैं भी फेस कर रहा हूं सर, क्योंकि मेरी होने वाली बीवी अपने जान की जंग लड़ रही है। कोटी नहीं, कोटेश्वर राव मेरा बेटा है। अभी वो यहां पर नहीं है, आ जाओ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को ये देखो ध्यान देना चाहिए। इस तरह तो नहीं चलेगा ना। हम उदास मत होइए। कोटी नागराज को जानता था तो हम उसके बारे में जानने आए हैं। नागराज मतलब रोलगुड नागराज के? हाँ, वही। यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट लोगे ना तो वहाँ पर मिल जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, चलते हैं सर। थैंक यू, नमस्ते। चलिए अंकल। नागराज? नहीं, रोल गुड नागराज, बोलो क्या काम है? वो देवरापल्ली एरिया में जो लाइब्रेरी है उसके बारे में जानने आए हैं। अच्छा, उस लाइब्रेरी का ओनर रघुपति अच्छे से जानता हूँ, रिश्तेदार है मेरा। क्या हम अभी उनसे मिल सकते हैं? यह नहीं हो सकता, मैंने उसे बहुत बार कॉल किया लेकिन वो क्या है ना, रीचेबल नहीं होता है, इसीलिए कॉल करना छोड़ दिया मैंने। प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है ब्रदर, अगर इतनी सी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, उसका दोस्त है ना, मेरे अंकल ही है, अच्छे फ्रेंड्स है, अगर तुम उन्हें मिलोगे ना ऑलमोस्ट रघुपति से मिलने जैसा है। हाँ सर, चलिए ना, चलते हैं। उन्हें फोन करके मुझे पूछना पड़ेगा, अगर वो फ्री होंगे तो हम जा सकते हैं। अंकल, हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? ठीक है अंकल। वो क्या है ना, वो कल सुबह 11:30 बजे फ्री होंगे, कल मिलते हैं उनसे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। और नागराज, बहुत दिनों बाद आज दिखाई दिए। वो क्या है ना अंकल, दोनों साइड पे बहुत काम चल रहा है ना, कहीं पर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। ठीक है, ये कौन है? ये राजा है। नमस्ते अंकल। और ये इनका फ्रेंड है। नमस्ते। वो क्या है ना अंकल, गांधीनगर में जो लाइब्रेरी है ना, उसके ओनर रघुपति जी से ये मिलना चाहते हैं। पर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, माफी चाहता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ अंकल? कहा ना मुझे नहीं पता। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या है नागराजू, मैं तुम्हें जानता पहचानता हूँ तो तुम किसी को भी लेकर आ गए जो फालतू सवाल पूछ रहे हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। वैसे अंकल, लास्ट टाइम आपने मिलाया था ना उनसे, हमने लाइब्रेरी में काम भी किया है ना। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, चलो निकलो। ए, सुनाई नहीं दिया, चलो उठो। क्यों बे,
जोर से चिल्लाने से सच छुपेगा नहीं, मैं तुझसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता हूँ। मार दूंगा तुझे कमीने। पुराने लाइब्रेरियन रघुपति के साथ क्या हुआ है और लाइब्रेरियन रघुपति का अभी वाले के साथ क्या लेना देना है? सारे के सारे जवाब मुझे ठीक से चाहिए। बताता हूं, रघुपति मेरा इकलौता दोस्त था, बहुत होशियार था वो, हमेशा लाइब्रेरी में ही रहता था। लाइब्रेरी की तमाम किताबें वो पढ़ा करता था और उसमें से अच्छी बातों को अपने दिमाग में नोट कर लिया करता था। पर उसकी एक बुराई थी, वो बहुत बड़ा नास्तिक था। ए बिस्वा, ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है तेरे पागलपन वाला काला जादू कराने लाया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बिजनेस के लिए ही लेकर आया हूँ। इससे कुछ नहीं हो पाएगा, चलो यहाँ से, चलो। अरे रुक जाओ जी, बहुत मेहनत से तुम यहाँ इतनी दूर आए हो, मुझसे मिले बगैर चले जाओगे? देखा तुमने, स्वामी जी बिना बताए ही जान गए कि हम कितनी मुश्किल में हैं। हे पागल, इनके नजदीक जाना ही मुसीबत का संकेत है। जब तक तुम जैसे लोग अंधविश्वास पर भरोसा करोगे, तब तक ये लोग जिंदा रहेंगे। तुम गलत बोल रहे हो जी, मैं कड़ी योग की साधना करके, मंत्र का उच्चारण करके, मंत्र तंत्र की विद्या को दिल से सीख कर, हमारे पास जो भी मदद मांगने आता है हम निस्वार्थ उनकी मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जैसे तुम सोच रहे हो, जाओ उनसे बात करके फिर मेरे पास आओ। ए, तेरा लेक्चर सुनकर मदद मांगने के लिए आया हुआ कोई आम इंसान नहीं हूँ मैं, तुम जैसे लोगों को मिट्टी में मिलाता हूँ मैं। नसीब लिखने वाला ब्रह्मा है, तुम इतने बड़े हो गए कि नसीब बदल दोगे? ब्रह्मा का लिखा हुआ नसीब बदलने का कोई रास्ता होता तो सब लोग अपना नसीब बदल लेते। चलो विश्वा, तुम्हारे नाम पर ग्रहण लग गया है स्वामी। अब से तुम्हारा नाम होगा श्री विश्वेश्वरा। आपका आशीर्वाद स्वामी। प्रणाम स्वामी। ए, निकाल इसे। रघु, रघु क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई? रघु नसीब बदल। रघु चल चल यहाँ से। मार दूंगा तुझे। कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो? हाँ स्वामी, तुझे लगा मेरे पिता की फोटो रख के पूजा करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? पता है विश्वा, तेरे उस दोस्त ने जिसने मेरे काम की बेइज्जती की, मेरी बेइज्जती की और मेरी मेहनत को बर्बाद किया, उसको और उसके पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा, सबको नेस्त नाबूद कर दूंगा। वो मेरे पास सिर्फ तेरी वजह से आया था। चुपचाप उसका एड्रेस दे दे और यहाँ से चला जा। उसे माफ कर दीजिए स्वामी, उसके बदले मुझे सजा दे दीजिए। अगर नहीं बताए तो ठीक यही होगा। तुझे पता है ना मैं उसे मारने वाला हूँ? उसका कोई भी नहीं है स्वामी, वो है और उसकी लाइब्रेरी है, वहाँ पर आने वाले सभी लोगों को वो अपना फैमिली मेंबर समझता है। वो बहुत अच्छा है स्वामी, उसे माफ कर दो स्वामी। इतना काफी है विश्वा। स्वामी जी के मिलने के 3 दिन बाद ही रघुपति की मौत हो गई। मैं चाह कर भी अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया।
सब कुछ दो दिन में ही हो गया। सबको लगा ये कॉरपोरेटर का काम है। लाइब्रेरी के लिए उसने उसकी जान ली होगी। केस भी फाइल हुआ था पर एविडेंस के अभाव में केस क्लोज कर दिया गया। फिर लाइब्रेरी स्वामी चलाने लगे। जो लोग वहां पढ़ने के लिए आते वो उन्हें मार देते और उससे वो खुश होते। इसका कन्ना के साथ क्या संबंध है? वो लाइब्रेरी हथियाना चाहता था। क्या तुम दोबारा उस साधु से कभी मिले? कुछ हफ्तों से मैं घर में ही नजरबंद हूं। लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हाल ही में उसने मेरे साले को भी मार दिया है। हेलो। हाँ डॉक्टर। राजा, अगर दो दिनों तक इसमें कोई सुधार नहीं आया तो इसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें इसका दिमाग उस बुक से डाइवर्ट करना होगा। अगर हम वो बुक इसे दे भी दे तो क्या होगा? क्या उससे इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? नहीं डॉक्टर, अगर ये उसे पढ़ेगी तो दूसरे दिन ही मर जाएगी। व्हाट? क्या राजा, मैं इतना सीरियसली सवाल पूछ रही हूँ और तुम ऐसे जवाब दे रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है इंदू, बताओ मुझे। मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। उस किताब को भूल जाओ, हमारे प्यार के लिए, सिर्फ चार दिन के लिए मैंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। इंदू, तुम सुन रही हो ना? इंदू राजा, प्लीज कंट्रोल, आओ प्लीज, प्लीज राजा, प्लीज मेरी बात सुनो राजा। प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर मुझे इंदू की जरूरत है, उसे प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। पूछिए आपको क्या पूछना है। पहले आप जर्नलिज्म में थी, अभी आप आध्यात्मिक रास्ते पर जा रही हैं। आपके हिसाब से कौन सा प्रोफेशन सही है? कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे वंश की परंपरा है, ये हमें तृप्ति देती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि काम दिल से नहीं किया जाता, लेकिन अब इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं। ये मांत्रिक और तांत्रिक के बारे में हाल ही में जो भी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यूथ में ये सब चीजें बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। क्या ये सारी चीजें सच में हो रही हैं? ये सब सच ही है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, वैसे ही ये तांत्रिक लोग भी अपना रंग रूप अलग अलग तरीके से बदल रहे हैं। दुनिया के हर कोने में फैले हैं। मेरे ख्याल से सृष्टि को हर इंसान की जरूरत होती है, शायद इनकी भी हो, किसी न किसी तरीके से तो होगी। डॉक्टर, उस लड़की का एड्रेस पता है? राजा, आर यू क्रेजी? इसका एड्रेस लेकर क्या करोगे? अभी हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। नहीं डॉक्टर, कुछ काम तलवार से नहीं कलम से होते हैं। अभी वो मुझे कलम की तरह नजर आ रही है। इंदू को ये बचा सकती है, इंदू के जीने का यही एक रास्ता है। डॉक्टर, मैं चलता हूँ डॉक्टर। राजा, राजा मेरी बात सुनो राजा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कौन हो सर आप? मुझे मनोगना मैडम से मिलना था। वेट कीजिए, मैं मैडम को बताकर आती हूँ। ओके। मेम साहब। मेम साहब, आपसे मिलने कोई राजा आया है, भेजो उसे। मैडम नमस्ते। मैडम मुझे आपसे बात करनी है। मैडम राजा। मैडम पहले उस ग्रंथ को लेकर आओ, अगर हालत ज्यादा खराब हुई तो ये मंत्र बोल देना। ओके, सब ठीक हो जाएगा। ओके। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।
सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इंदुमती नाम की लड़की मौत से लड़ रही है। हाँ मैडम, मैं इसीलिए ये सब कर रहा हूँ, उसे किसी भी तरह बचाना है मुझे। बचाते हैं, इन्हें भी बचाते हैं। ये ग्रंथ किस बारे में है मैडम? इसे पढ़ने के बाद इंसान क्यों मर रहे हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। थोड़े समय के लिए रुको, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जरा वो पत्र मुझे देना बेटी। इसके ऊपर ही साधु ने ये ग्रंथ लिखा है। मांत्रिक और तांत्रिक विद्या लेने वाले लोग ही इस ग्रंथ को लिख सकते हैं। अब इन पत्तों का इस ग्रंथ से क्या लेना देना? इसे कई भागों में बताया जाता है। पुराने पंडितों ने, जो मदुरई के वॉरियर्स थे, उन्होंने इस जातक की रचना की, जिसमें इस धरती पर पैदा हुए सारे लोग थे। जो इंसान पैदा हुआ है, उसे पहले या बाद में मरना ही होगा। उन मरे हुए लोगों के नाम के साथ उसने आत्मा को जगाया और अपनी शक्तियों को उस ग्रंथ में डाल दिया। जितने लोग मरेंगे, ये ग्रंथ उतना शक्तिशाली होता जाएगा। तब से उसकी पढ़ाई बदल गई और उसकी जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आश्चर्य की बात यह है कि इस ग्रंथ को हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना नाम बदलते हैं क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है, तो ये ग्रंथ वही लोग पढ़ सकते हैं। इस ग्रंथ को इसी तरह बनाया गया है कि कोई और न पढ़ सके। तुमने जिस लड़की के बारे में बोला, वो उसी हालत में है। तुम्हारा जो संदेह है वो मैं बताता हूं। आखिर वो स्वामी कैसे मरेगा? साधु ने रघुपति की आत्मा को वशीकरण करके इस ग्रंथ को लिखा ताकि उन सबका नाम इसमें आ जाए। जो लोग भी इसे पढ़ते हैं उनका नाम वो हो जाता है। वो नाम क्रॉस में आकर फिर हरा हो जाता है और पढ़ने वाला अनजाने में आखिरी नाम पर साइन करके वहां से चला जाता है। ये सब कैसे खत्म होगा गुरुजी? मूल नक्षत्र में पैदा हुए लोग ही इसका अंत कर सकते हैं। जब बहते हुए पानी में आग लग जाएगी और सूर्य बीच में आ जाएगा और पंचभूत कब्जे में आकर सुनामी जैसे आत्माओं का ग्रुप जब जागेगा, तब इसका अंत किया जा सकता है। दो दिन बाद ये शुभ दिन आने वाला है। अगर उस दिन हमने इसका अंत किया तो सारी आत्माएं मुक्त होकर चली जाएंगी। देर मत करो राजा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो समय शुरू हो गया है, थोड़ी देर में यहाँ पर बर्बादी होगी। जाओ जाओ। Yeah.
ये 15 दिन मेरे लिए नर्क से कम नहीं थे। तुझे क्या लगता है कि कन्ना की नजरों से बचना इतना आसान है? हाँ? कन्ना, तेरे साथ बात करने का ये सही समय नहीं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। प्लीज जाने दे मुझे। अबे तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी कहानी में फंस जाऊंगा? इन हाथों की रेखाओं से लेकर शरीर के हर एक नस में दिमाग में टारगेट फिक्स किया है। अब तू मरने वाला है और मैं तुझे मारने वाला हूं। ए, आज के दिन जब मैं तुझे इन हाथों से मारूंगा तब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। मर, 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 मर। तूने मेरी बेटी को मारा। मर, मर। छोड़ो इसे। क्यों बे? सिर्फ इसके लिए ना गराज देकर तूने वापस ले लिया, मेरी बेटी को इसके लिए मारा? अब तू देख मैं क्या करता हूं। मैं इसे तेरी आंखों के सामने मारूंगा। ए कन्ना, क्या बोला? मैंने तेरी बेटी को मारा? भला मुझे उसको मारकर क्या मिलेगा? सोचने वाली बात है ना। मुझे पता भी नहीं कि तेरी बेटी कैसी दिखती है। क्या बोला? तू मेरी बेटी को नहीं जानता। बिना जाने उसे लाइब्रेरी से लेकर गया था। ए कन्ना, थोड़ा सही दिमाग रखकर सोच। जब वो बेहोश हुई थी मैंने उसकी मदद की थी। तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन यही सच है। तेरी कहानी तो सुपर हिट है लेकिन तू पूरी तरह से फ्लॉप है। ए, इन्हें जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दो।
क्या बोल रहा तू? उसने मारा तुझे? ए, गाड़ी घुमा। तुम जैसा सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। इस ग्रंथ को जलाते समय जब सूर्य किरणें आग की लपटों में पड़ेंगी तभी एक विशेष मुहूर्त में ही इस ग्रंथ को हवन कुंड में डालना होगा। पर उसी समय आसपास भयंकर उपद्रव होगा जो विकराल रूप लेकर तुम्हें विचलित करेगा। हो सकता है कि तुम उससे डर जाओ पर साहस मत खोना। आओ, ठीक उस समय तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा और प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी। मंत्र और तंत्र भले ही तुम ना जानते हो पर मेरे बताए अनुसार अगर तुमने किया तो जीत तुम्हारी होगी पर मुश्किलें भी आएंगी। मानो या ना मानो लेकिन यही सच है।
चंदा मामा की कहानी की तरह तुम्हारी लाइफ में भी एक घटना हुई। राजा ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, रावण के जंग के राम की याद दिलाई। मुझे आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इसके पहले तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। मेरे अंकल की कुर्बानी का मतलब तब होगा जब तुम दोनों एक हो जाओगे। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अब से तुम दोनों अपने जीवन को अच्छी तरह जियो और हमेशा खुश रहो। आपने जो मदद की है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आपके अंकल की कुर्बानी मैं अपनी जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट राजा। थैंक यू मैडम। अच्छा तुम मुझे छोड़कर अकेली क्यों चली गई थी? जानती हो तुम्हारे इंतजार में चार दिन गेट पर ही खड़ा था। तुमने बालू को क्यों मारा? क्या? उसने मुझसे माफी मांगी थी। उसे मारने के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी थी। और तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन मरा उसका क्या? तो मैंने कहा था मरने के लिए सॉरी। मुझे उस वक्त वैसा लगा था शायद मैं तुम्हें परेशान कर रही थी इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ।